में जब वांडा ने अपने जादू से सबको उनका डर दिखाया था, तब थॉर को एक सपना दिखा था जिसमें उसे इन्फिनिटी स्टोन्स नजर आए थे और एस्गार्ड की बर्बादी दिखी थी। वो सपना असल में भविष्य की एक झलक थी जिससे थॉर को ये समझ में आया था कि कोई शख्स इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा है और वो उनका गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए थॉर ने बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढना शुरू कर दिया था ताकि वो दुश्मन के हाथ न लग सके, लेकिन 2 साल की खोज के बाद भी उसे कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं मिला। इसी दौरान थॉर को फिर से एस्गार्ड की बर्बादी के सपने दिखने लगे और इस बार उन सपनों में उसे सर्टर नाम का एक राक्षस भी दिख रहा था जो कि एस्गार्ड को तबाह कर रहा था। थॉर का ये सपना भविष्यवाणी थी रैग्नारोक की, रैग्नारोक यानी एस्गार्ड का अंत जो कि सर्टर के हाथों होने वाला था। 5,000 साल पहले जब ओडिन को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला था, तब उन्होंने रैग्नारोक को रोकने के लिए सर्टर से लड़ाई की थी और सर्टर से उसकी शक्ति का स्रोत इटर्नल फ्लेम छीन लिया था जिसे ओडिन ने अपनी तिजोरी में रख दिया था। इटर्नल फ्लेम के बिना सर्टर बहुत कमजोर हो गया था जिससे ओडिन को लगा कि उन्होंने रैग्नारोक को रोक दिया, मगर वो भविष्यवाणी बदली नहीं थी बल्कि एक दिलचस्प बात ये थी कि उस भविष्यवाणी में थॉर का भी जिक्र था कि वो रैग्नारोक का कारण बनेगा। उधर थॉर को जब बार बार वो सपना दिखता है तो वो उसका मतलब समझने के लिए सर्टर के प्लेनेट मुस्पेलहाइम पर चला जाता है और वहाँ वो जानबूझकर सर्टर की पकड़ में आ जाता है। फिर जब थॉर उससे अपने सपने की बात करता है, तब सर्टर उसे रैग्नारोक के बारे में बताता है और बोलता है कि जब वो अपना सर इटर्नल फ्लेम में डालेगा तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और वो एस्गार्ड को तबाह कर देगा। ये जानने के बाद थॉर सर्टर से लड़ना शुरू करता है और वो उसे मार के उसकी खोपड़ी अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ एस्गार्ड में लोकी ओडिन के रूप में घूम रहा था। उसने 4 साल पहले मरने का नाटक किया था और फिर उसने ओडिन को धरती पर छोड़कर उनकी शक्तियां छीन ली थी ताकि वो वापस एस्गार्ड न लौट सके, और तब से वो खुद ओडिन बनकर एस्गार्ड में राज कर रहा था। लोकी ने हाइमडल को काम से निकाल दिया था क्योंकि उसे डर था कि वो उसकी असलियत न जान ले, और हाइमडल की जगह उसने स्कर्ज नाम के एक आदमी को बायफ्रॉस्ट